जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती 2022-2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको पटवारी एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिल करना है, जहां पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। एंड फोटो साइन डिक्लेरेशन आपको कैसे अपलोड करना है, इसकी जानकारी भी आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर दी गई है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पहले ये भर्ती 3555 पद पर निकाली थी, फिर उसके बाद में रिवाइज्ड करके आपके पद बढ़ाए गए और 9073 पद अब आपके टोटल पद है। यहां पर आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान लीजिएगा। और इन सभी जानकारी को जानने के बाद में आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि अगर आप अन्य स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एमपी रोजगार पंजीयन कैसे करना है, वो उसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। इसके बाद में आप यहां पर आएंगे और आप यहां पर आने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक किसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले MPESB का वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास पहले से रजिस्टर्ड नंबर होगा, यानी कि रजिस्टर्ड आईडी होगी। तो यहां पर जो प्रोफाइल पंजीयन में आपसे पूछेगी कि आपके पास पहले में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो आप यहां पर हां करेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए आप यहां पर नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर जो नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं अपना, वो रजिस्टर नंबर यहां पर डालेंगे और अपनी ईमेल आईडी आप यहां पर डाल देंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड है 9+5 जो भी आपके सामने आता है वो आप यहां पर लिखेंगे और ओटीपी प्राप्त करें के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है और ओटीपी सत्यापन करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर के सामने कुछ ऐसी जानकारी आएगी, आप यहां पर नीचे आएंगे और आप पंजीयन करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहां पर जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है मैसेज के माध्यम से और जो पासवर्ड मिला है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। ऊपर आपको सामान्य पंजीकरण यानी कि रजिस्टर नंबर देना है और नीचे आपको जो प्रोफाइल पासवर्ड मिला है वो यहां पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आप यहां पर फिर से लॉग इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा पहले से यहां पर रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं पर आपको उसी रजिस्ट्रेशन से जानकारी एडिट करके दिखा रहा हूं। बट आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर आपको बोला है कि आप किस माध्यम से यहां पर सत्यापन करना चाहते हैं। ई-केवाईसी के लिए आप ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा करना चाहते हैं या फिर ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करना चाहते हैं। बायोमेट्रिक वो होता है जिस पर आप अंगूठा लगाते हैं और ओटीपी वो होता है कि जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ओटीपी आएगा। तो कोई भी एक माध्यम आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में पर आएगा आधार क्रमांक, तो आपको यहां पर आपका आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद ये कैप्चा आप यहां पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप जनरेट ईकेवाईसी ओटीपी यहां पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम। तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहां पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। पति या फिर पिता का नाम, तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है, ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, अगर आप हाँ करोगे तो आपको
आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप वैवाहिक है यानी कि क्या आप मैरिड है, अगर हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्मतिथि यहाँ पर देनी होगी, क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है, मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है, आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किया जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करना है वो किस तरह का अपलोड करना है। इसका जो एक टेम्पलेट है वो दिया है आपको, आप यहाँ पर क्लिक है डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पर आपका फोटो लगाना है, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, एंड यहाँ पर आपको ये जो हिंदी में लाइंस दी गई है जिसको आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, एंड इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर हैंड से रिटर्न करना है इस बॉक्स के अंदर, या फिर आप इसको एक अन्य पेज पर रिटर्न कर ले, एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस इमेज को बनाना है। मैं आपको यहाँ पर जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है इनकी टूल का लिंक देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने आएगा MPPEB टेम्पलेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे नेम ऑफ फोटो यानी कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। फिर आता है डेट ऑफ फोटो यानी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका फोटो यानी कि जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है जो इमेज आपने बनाया उसको यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आता है डिक्लेरेशन फोटो यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन है जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये वाला ये आपने लिख करके किस पेज पर रखा है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ये लाइन अपने हैंड से रिटर्न करनी है और उस इमेज को एक फाइल बना लेनी है। अब वो जो आपने फोटो बनाया है डिक्लेरेशन वाला वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी, फिर आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है जो भी आपके सामने आएगा वो आपको फिल करना है, एंड आपको जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट है वो जनरेट हो जाएगी, और जनरेट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फोटो दिया गया होगा, आपका नेम दिया गया होगा, जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो आप यहां पर देखेंगे, आपका जो डिक्लेरेशन आपने लिखा है जो कि जिसकी फाइल आपने अभी अपलोड की है वो यहां पर आपको दी गई होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये फाइल आ जाएगी। अभी जैसे ही आपकी फाइल तैयार हो जाए तो आपको यहां पर इसको अपलोड करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं।
और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको व्यू इमेजेस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने फाइल यहाँ पर अपलोड किया है वो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो दिया गया है, आपका सिग्नेचर दिया गया है और आपका डिक्लेरेशन दिया गया है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मुझे आपका अपना फोटो सही दिख रहा है, मुझे सिग्नेचर सही दिख रहा है और जो मैंने हस्तलिखित यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा है ये भी सही है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हैड रिटर्न डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं, 10वीं या 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, जिसमें कि आपका मार्क्स, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। इसके बाद है एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल यानी कि क्लिक करने लायक नहीं रहेगा। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर जो भरी है इन सभी को वेरीफाई कीजिए एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करने के बाद में मैंने जो लिंक आपको हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है। और आपको ये वाला लिंक ओपन करना है जो कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ओपन दिस लिंक, ये लिंक आपको ओपन करना है। इसके बाद में आपको टू पॉइंट में आपके यहां पर पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको यहां पर जो ग्रीन आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप यहां पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर आता है सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला है, वो आप यहां पर एंटर करेंगे। एंड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो कि अभी आपने फिल किया है रजिस्ट्रेशन करते समय वो आप यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी वो सभी जानकारी आ जाएगी जो कि अभी आपने भरी है। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन अब आपके सामने फिर से ये जानकारी आ चुकी है। आप इन जानकारी को इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आएंगे और जो जानकारी आपको भरनी है वो आपको यहां पर 33 पॉइंट से भरनी है, जहां पर बेसिकली आपसे 34 पॉइंट में कैटेगरी पूछा है। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, तो आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप बिना वर्ग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयुष्मान में छूट संबंधी अन्य जानकारी पूछी है। ये आपको सवाल अच्छे से पढ़ने हैं और इनका आंसर यस नो में करना है आपके ऊपर एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहां पर 36 पॉइंट है, क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, निकायों, होमगार्ड है? अगर हां तो हां करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर 37 पॉइंट है कि क्या आप 1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? अगर हां तो हां कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद 39 पॉइंट है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो हां करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर क्या आप विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है? अगर हां तो आप यहां पर हां करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। जो भी आपके ऊपर यहां पर सवाल लागू है उसका आंसर आपको यस नो में आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? 43 में आपको बताना है हां या फिर नहीं। इसके बाद है क्या आप संविदा कर्मी नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 16(3) के अनुसार सीट एवं आयु में आरक्षण लेना चाहते हैं? अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं और आप इसके अंतर्गत आते हैं नियम पुस्तिका के, तो आप यहां पर हां करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद यहां पर 45 पॉइंट को आप पढ़ेंगे और इनमें से अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है जो कि यहां पर दिए गए हैं इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू हो रहा है तो आप यहां पर हां करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। अब आती है क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहां पर पोस्ट प्रेफरेंसेस आ चुकी है। जिन जिन पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है वो यहां पर दी गई है। आपको कार्यालय का नाम भी दिया कि किस कार्यालय के अंदर वो पोस्ट है और उस
पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसी पर आपको हाँ करना है और पद चुने आपको उसको बेसिकली चुन लेना है। अभी मैं यहाँ पर पटवारी की पोस्ट पर आपको प्रेफरेंस देकर के दिखाऊंगा। आप यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, जैसे कि 130 पॉइंट इसमें आपकी पटवारी की पोस्ट दी गई है और किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जिसको भी प्रेफरेंस देनी है उसी के सामने आपको हाँ करना है और उसका जो पोस्ट कोड है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, इस प्रकार से आपको प्रेफरेंसेस देनी है जिसको भी पोस्ट को आपको प्रेफरेंस देनी है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए थोड़ा नीचे आएंगे और आपकी जो अन्य जानकारी है वो आपको देनी है। जैसे कि 46 पॉइंट में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, जो कि अनिवार्य है सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए और सभी कैंडिडेट के लिए जो कि इसमें फॉर्म को भर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हाँ करना है और हाँ करने के बाद में जो आपका पंजीयन क्रमांक है वो आपको एंटर करना है। किस डेट में आपने पंजीयन कराया है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है या फिर आपको इसको खुद से इस प्रकार से एंटर करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको रोजगार पंजीयन जिले का नाम देना कि कौन से जिले में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके बाद में यहाँ पर 47 पॉइंट बेसिकली है कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है जो कि नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। फिर 48 पॉइंट है कि यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपका गृह जिला यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आता है आवेदक की नियमानुसार लागू आयु कितनी है वो यहाँ पर आपको बेसिकली दी गई है। इसके बाद यहाँ पर 52 है कि कौन से सिटी को आप एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड फोर्थ किसको देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे और सभी जानकारी को चेक करके आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने है। इन जानकारी को आपको चेक करके आना है और आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसका प्रीव्यू लेकर के इसको सेव कर लेंगे और फिर आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फिर से सब जानकारी आ चुकी है, आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर हो चुके हैं। आपको जिस माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है वही माध्यम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो आप कैसे फिल करेंगे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर इस तरह से आपकी जानकारी फिल करने का पेमेंट की ऑप्शन मिलेगा और आप जैसे ही अपने एप्लीकेशन फीस अपनी डिटेल्स को फिल करके अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग MP पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।